أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون आज आगाज का स्पेशल प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं अपने दुबई स्टूडियोज में। खातिन हजरात, दीन इस्लाम पेश करने के मुतअद्दिद अंदाज हैं, कुछ नए कुछ रिवायती। हमारी आज की मेहमान शख्सियत वो शख्सियत है कि जिसने जमाने के मिजाज को समझते हुए दावत दीन का वो तरीका अपनाया जो क्लासिक दावत दीन और जदीद इस्तदलाल का मुतवाजिन मजमुआ है। मुतअद्दिद अफराद हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने इस्लाम के बारे में आगही आपकी गुफ्तगू सुनकर और आपकी तकरीरें सुनकर हासिल की। खवातीन हजरात, आपकी गुफ्तगू सुनकर आपकी तकरीरें सुनकर कई अफराद के जहनों से इस्लाम का जो मनफी तासुर उनके दिल में कायम था वो दूर हुआ। सिर्फ यही नहीं, आज की मेहमान शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनकी वजह से, जिनकी गुफ्तगू की वजह से, जिनके कुव्वत कलाम की वजह से लाखों अफराद हल्का बगोश इस्लाम हुए। खातिन हजरात, हमारी मेहमान शख्सियत वो शख्सियत है कि जिसकी जिंदगी का मकसद इस्लाम की मुदाफियत और इस्लाम की दावत है, मगर आपका अंदाज माजत खुहाना नहीं बल्कि फातेहाना है। मोहतरम नाजरीन, आज की मेहमान शख्सियत कुरान करीम पर भरपूर निगाह रखने के साथ साथ दीगर मजाहिब की कुतुब पर भी गहरी नजर रखती है। हवाले आपकी फिंगर टिप्स पर, हाफजा बेमिसाल। खवातीन हजरात, आज की मेहमान शख्सियत वो नाबगा शख्सियत है कि जिस पर आलम इस्लाम को फख्र होना चाहिए और फख्र है। तशरीफ फरमा है मोहतरम डॉक्टर जाकिर। तकलीद के ताल्लुक से क्या फरमाएंगे आप? तो तकलीद के मानी क्या इंपॉर्टेंट है? वापस से क्यों मैं कहता हूं, तकलीद लोग कहते हैं कि आंख बंद करके मानना, जिसे तकलीद कहते हैं, ये तो एक आम डेफिनेशन है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको किस पे भरोसा है, मिसाल के तौर के ऊपर आप जाते डॉक्टर के पास, वो दवा देता, आप मान के दवा ले लेते। तो एक चीज है कि तकलीद के माने आंख बंद। एक्चुअल तकलीद अरबी लफ्ज से आता है कि मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर कोई जानवर को कोई रस्सी देके खींचते, वो कलादा, उससे आता है। लेकिन आप माने हैं कि आंख बंद कर मानना। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसको आप तहकीक करके भरोसा करते हैं और उसकी बात मानते तो कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर वो इंसान जिसको, जिसके आप बात मानते उसके खिलाफ अगर सबूत पेश करते कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर भी आप उसकी बात मानते, उसे कहते हैं तकलीद। सही तरीके से मतलब एक आदमी को आप जानते हैं, स्कॉलर है, उसने फतवा दिया, आपने उसकी बात मान ली, ठीक है, आप तो आम आदमी है, तो आप कुरान में जो लिख रहा है फसल वाले जिक्री इनकुन तालमून, उससे पूछे से इल्म, आपने पूछा, आपने बात मान लिया, उसे तकलीद नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरा शख्स आके कहता है कि जो आलम के पास आप गए उसका फतवा कुरान हदीस के खिलाफ है, फिर भी आप बोल नहीं नहीं बड़ा आलिम है, मैं उसकी बात मानूंगा,
हवाला मिलने के बाद, सबूत मिलने के बाद, कुरान और हदीस की रोशनी में फिर भी आप उस आलिम की बात माने, उसे कहते हैं तकलीफ। ठीक है, सही माने में। ठीक है, ये करना, ये करना मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा अच्छा, इस वक्त पूरा आलम इस्लाम की अक्सरियत वो मुकल्लिदाना ज़हनियत के साथ रवा दवा है। आप ये फरमाइए कि इस मुकल्लिदाना ज़हनियत ने दीन को फायदा पहुंचाया है या नुकसान? नुकसान पहुंचाया है, सबसे नुकसान पहुंचाया, ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, और जितने भी आप अगर तकलीद, जितने भी अइमा आए, चाहे अब इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी, इमाम मालिक अहमद, चारों इमाम अल्लाह भी पीस डेमोर रहीमुल्ला, चारों ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, मेरे फतवे को छोड़ दो। ये लोग, हम इनकी इज्जत करते हैं, बड़े अहमा थे, वो वेरी नॉलेजेबल, लेकिन हमें जानना चाहिए कि जब वो आए उस टाइम हदीस कलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, तो जितने भी मालूमात उनके पास थी उस बेस पे फतवा दिया। वो जानते थे कि उनके पास सारी मालूमात नहीं थी, जो भी मालूमात थी उस बेस पे फतवा दिया उनने। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो कुरान और हदीस के खिलाफ, फतवे को छोड़ दो। तो उनने ऐसा कुछ, उनका इरादा नहीं था कि एक फिरका बनाना या एक ग्रो बनाना, लेकिन उनने फतवा दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं प्रैक्टिस के अंदर, अगर अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा ने कुछ कहा, नहीं मुल्ला मिसाल के तौर पे उनने कहा कि जब आप नमाज पढ़ते हैं लाउड नमाज, तो सूरह फातिहा के बाद आमीन आस्ते से बोलो। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ सही बुखारी में कई हदीस है जिसमें लिखा है आमीन जोर का बोलो, आमीन बिल जहर है, बिल जहर, तो आप, मैं आमीन जोर का बोलता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं 100% हनफी हूँ, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो कुरान से खिलाफ, इस फतवे को छोड़ दो, तो मैंने फतवे को छोड़ दिया। तो अमली तौर पे मैं 100% हनफी हूं, बाकी लोग मेरे हिसाब से 80% हनफी है। वो अबू हनीफा की अक्सर बात को मानते लेकिन सब बात को नहीं मानते। अबू हनीफा ने यह भी कहा कि अगर फतवा गलत है तो छोड़ दो। इसी तरीके से इमाम शाफी ने कहा। तो क्या डॉक्टर साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो बात किसी भी इमाम की अच्छी लगे, अच्छी लगे नहीं, आप जो सही है, जो यानी अच्छी लगी से मुराद दीनी नुक्ते निगाह से, बिल्कुल से दीनी नुक्ते निगाह से, बिल्कुल से, तो क्या हम बैक वक्त कई इमामों के फॉलोअर हो सकते हैं? बिल्कुल से। ये लोग कहते हैं कि आपको एक ही इमाम को पकड़ना चाहिए, आप चेंज नहीं हो सकते। ये आप उन सबूत के लिए पूछे, कुल हाथों बढ़ाना को मिनको तुम सादिकीन, कहीं भी कुरान में नहीं लिखेला, कहीं भी हदीस में नहीं आता है। ये अइमा का जिक्र भी नहीं हदीस और कुरान में। ये अइमा ग्रेट स्कॉलर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करते, और आमतौर पर 95% के ऊपर साहिब अइमा ने वही चीज कहा। फर्क है 2%, 3%, 4% में, उसके ऊपर हम लड़ते हैं। तो इस 3 या 4% में अगर इख्तिलाफ है तो हमें तहकीक करना, जिसमें इख्तिलाफ नहीं है मैं सही होगा, तहकीक नहीं भी करे चलता है। अगर आपको लगता है तहकीक में इख्तलाफ है तो आप तहकीक करो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें कुरान को फॉलो करना चाहिए, अतीउल्लाह के रसूल, अल्लाह को, रसूल को, और जिसके पास इल्म है, फुल एंडोर्ड विद नॉलेज, दो अथॉरिटी, ये कुरान की आयत है। लेकिन आधी आयत है, पूरी आयत है सूरह निसा की 100 नंबर 4 आयत नंबर 59 आयत नंबर 59 में, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड डोंट एंडोर्ड अथॉरिटी, जिसके पास लेकिन खत्म नहीं होता है। उसके बाद आता है इफ दिस पीपल डिफर, अगर इनमें इख्तिलाफ है तो कुरान आप अल्लाह और रसूल के पास जाओ। तो मैं कहता हूं जहां इख्तिलाफ है मान लिया बात, हम तहकीक नहीं भी करे चलेगा, हम तो आम आदमी, लेकिन जो इख्तिलाफ लगता है, अमीन जोर का बोलना नहीं बोलना चाहिए, तहकीक करो। और तहकीक करने के बाद हम कोई नई चीज को नहीं फॉलो कर रहे। चारों मजहब ये मानते हैं कि कुरान मजीद के बाद सबसे अव्वल हदीस आती है सही बुखारी की। तो आप जब कहते हैं सही बुखारी कुरान के बाद है, तो सही बुखारी में कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि आमीन जोर का बोलते, जोर का बोलते। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि माइनर इश्यूज है इसमें, तो इख्तलाफ होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिक्री इख्तलाफ, इख्तलाफ से मुराद नहीं, फिक्री इख्तलाफ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि मेरी उम्मत पे इख्तलाफ रहमत है, लेकिन इख्तलाफ को इल्मी इख्तलाफ, लेकिन इख्तलाफ को मुखालफत ना बनाए। आई एम मिसेस हिलरी पांग एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू दैट आई हैव सीन ऑन द क्यू टीवी यू आर प्रीचिंग वेरी वेल एंड यू वेरी कन्विंसिंग, बट वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन यू that you always say these words, do not criticize, but